हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम लच्छेदार पराठे आलू की सब्ज़ी। लाजवाब, हेल्दी और टेस्टी। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े, इसको कैसे बनाते हैं। लेते हैं आलू, कम से कम आलू होंगे 3। आलू को मैंने पहले से बॉयल कर लिया था, उसका इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। एक आलू हम कम से कम 8 टुकड़े करेंगे, एक 20 से करेंगे, उसके बाद 2 करेंगे, 20 करने के बाद उसके 2 टुकड़े कर देंगे। सारे आलू ऐसे कटिंग कर लेंगे। जब मेरे आलू पूरी तरह से कट जाएंगे तो इसको अलग रख लेंगे। पूरी तरह से आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं, एक अलग तरीके से आपको आलू की सब्ज़ी बना के दिखाऊंगा, एकदम लाजवाब। उसके बाद आलू कटिंग करने के बाद आप करते हैं टमाटर की कटिंग। टमाटर को अच्छी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर को पीसना है एक अच्छी तरीके से, एकदम पेस्ट बनाने के लिए इसे पीसना है। उसका टमाटर को सर्व कर लेते हैं बाउल में। सर्व करने के बाद इसमें डालते हैं खड़े मिर्च। उसका लेते हैं कटोरी में डालते हैं जीरा, सौंफ, काली मिर्च चार कटोरी। उसका थोड़ी सी साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा कलौंजी डालने के बाद में लेते हैं कढ़ाई को पूरी तरह से गर्म करते हैं। उसका इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, एकदम आराम से गैस का फ्लो एकदम स्लो करके भून लेते हैं। देख सकते हैं मेरे साले खड़े मसाले भून चुके हैं। उसके बाद इसे एक ईमानदस्ती में रख कर कूट लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद चढ़ाते हैं कढ़ाई में डालते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें सर्व करते हैं जीरा 1 टेबलस्पून। उसके बाद हींग डालते हैं। हींग डालने के बाद में इसमें सर्व करते हैं टमाटर की पेस्ट जो मैंने अभी पीस के रखा था अलग। उसके बाद इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, इतना भूनेंगे कि तेल पूरी तरह से अलग हो जाए। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सब्जी मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाला ऐड करने के बाद में इसमें लास्ट में डालते हैं 1 टेबलस्पून नमक। नमक डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देख सकते हैं पूरी तरह से मेरा मसाला भून चुका है। जब मसाला भून जाएगा तो इसमें सर्व कर देंगे आलू जो मैंने अभी काट के रखा था, बॉयल किए आलू। आलू सर्व करने के बाद में इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे इसमें, एकदम लाजवाब टेस्टी। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून खड़ा मसाला पिसा हुआ जो भी मैंने भूना था। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। अब बनाते हैं लच्छे वाले पराठे। लेते हैं मैदा को अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। उसके बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा सूखा आटा। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से बेलेंगे आराम से। बेलने के बाद एक पराठा सा बना लेंगे। उसके बाद में इसको और थोड़ा सा बेलेंगे। उसका इसमें लगाते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल लगाने के बाद में पूरी तरह से ऑयल को फैला देंगे। उसका इसमें ऐड करते हैं सूखा आटा। आटा लगाने का ये उद्देश्य रहेगा कि पूरा पराठा एकदम क्रिस्पी बनेगा, एकदम कुरकुरा पराठा बनेगा। मैंने आटा पूरी तरह से सर्व कर दिया है। उसका लेते हैं पिज्जा कटर से बारीक बारीक स्लाइस से काट लेंगे, आराम से काटेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से काट लिया है। उसके बाद साइड से इसे फोल्ड कर देंगे आराम से, पूरी तरह से फोल्ड करेंगे। एकदम पराठा एकदम लच्छे वाला बनाना है। फोल्ड करने के बाद में इसको अच्छी तरह से बढ़ाएंगे, पराठे को गोल गोल घुमाते जाएंगे कि पूरी तरह से इसके लच्छे बन जाएँ। उसके बाद साइड से इसे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। उसका लेने के बाद में इसको गोल से चिंगरिया बना लेंगे। चिंगरिया बनाने के बाद इसको धर के दबा देंगे आराम से। उसके बाद बेलन की सहायता से इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। उसके बाद तब तक उधर तवा गर्म करते हैं, चढ़ाते हैं तवा। चढ़ाने के बाद इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद में पूरी तरह से तवे फैलाएँगे। उसके बाद में सर्व कर देंगे इसी पर पराठा लच्छे वाला। सर्व करने के बाद में इसको अच्छी तरह से एक तरफ पकाएंगे, उसका दूसरी तरफ भी इसे पकाने के लिए पलट देंगे। देख सकते हैं मेरा पराठा लगभग पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। उसका साइड में उधर दूसरा भी पराठा सर्व कर लेंगे, इसको अलग उठा के रख लेंगे। देख सकते हैं मेरा पराठा पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से पराठे को गोल गोल करके फोड़ेंगे। देख सकते हैं कि सारे लच्छे निकल रहे हैं पराठे के, एकदम लाजवाब बन के पराठा तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना इस बारिश के मौसम में। लच्छेदार पराठे और आलू की सब्ज़ी, हेल्दी एवं टेस्टी। आप
वीडियो वॉच करके ज़रूर ट्राई करना बनाकर, बहुत लाजवाब बन के तैयार होगी। चले फिर अब लगाते हैं पराठे और एक थाल। पराठे में लगाते हैं एक थाल लाजवाब। चले फिर अब लेते हैं एक प्लेट। प्लेट लेने के बाद में इसमें सर्व करते हैं आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी सर्व करने के बाद में ऊपर से रखते हैं नींबू। नींबू रखने के बाद में सर्व करते हैं लच्छे वाले पराठे। देख सकते हैं मेरी रेसिपी पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है, लाजवाब, हेल्दी एवं टेस्टी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।